सबसे पहले मैं सेक्रेटेड एससीएसटी एसोसिएशन के बारे में बताना चाहूंगा सर। ये सर, बाकी भी एसोसिएशन जो है एससीएसटी की एसोसिएशंस, ये नॉर्मली 97 में जब एंटी रिजर्वेशन पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी गवर्नमेंट ने, 5 ओएम्स आए थे तब फॉर्म हुई थी मोस्टली, तो उसी दौरान हमारी एसोसिएशन भी हमारे प्रधान जी और डॉक्टर चौहान की गाइडेंस के अंदर ये फॉर्म हुई थी, और उस समय इस एसोसिएशन ने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, और जो पांचों ओएम जो जो विड्रॉ हुए गवर्नमेंट के, उसमें इंटरनली क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर एसोसिएशन एक ऐसी मतलब संस्था है जिनका मतलब के बेरोक टोक अंदर सत्ता के गलियारों में आना जाना है, किसी को पास बनवाने की जरूरत नहीं है, एंड दे हैड वेल फ्री फ्लो फॉर गोइंग एंड एनीवेयर इन द ऑफिसेज ऑफ द कमेटी और द कमीशन और एनीवेयर। तो उस लहजे से हमने, हालांकि हमारे जो लोग हैं 9 से 5-6 बजे तक ऑफिस में बिजी रहते हैं, बहुत मुश्किल से उनको टाइम मिलता है, और लेकिन फिर भी उन्होंने अंदर जो साइलेंट जो मूवमेंट जो चलाया, जो राइटिंग के जरिए और इंफॉर्मेशन गैदर करने के जरिए, वो अपने आप में एक अनूठा है। और आज भी सर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है, अभी जो लास्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो डायरेक्शन आया है कि बैकवर्डनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो एससी एसटी पे लागू नहीं होता है, तो ये 2 साल पहले क्या हुआ कि कुछ एसोसिएशन ने इकट्ठे होकर एक मीटिंग करी, जहाँ गांधी की फाउंडेशन है दीनदयाल उपाध्याय रोड पे, तो उन एसोसिएशन ने इकट्ठे होकर बात करी कि कैसे किया जाए, इसको टैकल किया जाए। समता आंदोलन समिति ने हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट कर दिया था कि वो ऑन मेरिट जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो होते जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया था उसके बावजूद भी। तो विचार विमर्श हो रहा था कि नागराज जजमेंट में जो बैकवर्डनेस का इशू है उसको कैसे टैकल किया जाए, किसी को भी यह नहीं पता था कि बैकवर्डनेस का जो इशू है वो ऑलरेडी जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2006 में आई थी तो डीओपीटी ने ऑलरेडी उसी समय 19 अक्टूबर 2006 को जजमेंट आई थी, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लॉ मिनिस्ट्री और अटॉर्नी जनरल के साथ कंसल्टेशन करके एक ओएम निकाला था 2007 में, मार्च 2007 में, कि बैकवर्डनेस का इशू है ये एक नियर ओबिटर डिक्टा है और ये एससी एसटी को एप्लीकेबल नहीं है, इसका इससे कोई बाकी की दो कंडीशंस जो हैं वो ऑलरेडी कंप्लाइड हैं, पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो उसने हमने अप्लाई कर रखा है एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस, और एफिशिएंसी के लिए भी हमने मानदंड बना रखे। तो ये जो तीनों ये जो ओएम था इशू हुआ उसके बाद डीओपीटी भी सो गया और पूरे किसी को नहीं पता था इसके बारे में, वो हमारी जो एसोसिएशन थी वो वहाँ पर माथापच्ची कर रहे थे कि कैसे इसको टैकल किया जाए, हम डाटा देते हैं, हम सेंसस का डाटा देते हैं, तो वहाँ हमने बताया कि आप कहाँ घूम रहे हैं, हमने ये हमने हमारे चौहान साहब के भी ये उनके ध्यान में भी ये लाया गया कि सर ये ओएम इशू हुआ था डीओपीटी का और बैकवर्डनेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में इतना घमासान चल रहा है, सरकार तो ऑलरेडी क्लियर कर चुकी है लेकिन कोई इसको बताता नहीं है वहाँ जाकर। तो ये हमारी फाइट चली क्योंकि हमें उस ओएम का पता था, हमने बाद में डीओपीटी के साथ स्ट्रगल किया, अभी बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाके लास्ट में अभी जो इस साल जो ऑर्डर आया है उसमें गवर्नमेंट ने खुद कहा कि नहीं हम इसको जब नागराज की जो कंडीशन है उनको फुलफिल कर रहे हैं, जो बैकवर्डनेस है वो लागू नहीं होता एज पर वो जो 9 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट का है और बाकी जो कंडीशन था वो हम फुलफिल कर रहे हैं। तो इसी तरह से एक और इशू है सर, ओन मेरिट का, ओन मेरिट के अलावा एक जो जोन ऑफ कंसिडरेशन का है, मान लीजिए 100 वैकेंसीज है तो जनरल के जो कैंडिडेट आते हैं वो 200 कंसिडर किए जाते हैं और हमारे जो एस सी एस टी के 500 किए जाते हैं, लेकिन लिस्ट इतनी लंबी होती है क्योंकि हमें क्लब कर दिया जाता है, वो जो रोस्टर पॉइंट है, रोस्टर पॉइंट जो 6ठा पॉइंट एस सी का आया, 14वां एस टी का आया, ये जो इस पॉइंट पे नाम उठा करके हमें नीचे लगा दिया जाता है सबको सीनियोरिटी लिस्ट में, तो हम वो 500 के अंदर भी नहीं आ पाते हैं और वो जो बैकलॉग है वो आगे चला जाता है, अगले साल हम क्योंकि उस समय सीनियर हो गए थे वो ओन मेरिट में चला जाता है। तो ये जो जो अभी हमारे साथी जो दूसरी एसोसिएशन से आए वो भी यही बात कर रहे थे कि जो पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन रोस्टर है वो उसको इफेक्टिवली और सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा, उसको जैसे जिसका जो पॉइंट है उसी पॉइंट पे आप रखिए, आगे की प्रमोशन भी वैसे ही होगी
और हम चाहेंगे कि जो इनिशियल रिक्रूटमेंट जो है आप मेरिट बनाइए, मेरिट के बाद बेस पे आप सिलेक्शन कर लीजिए, लेकिन उसके बाद उनको उस पोस्टर में उस रोस्टर में रख दीजिए। रोस्टर में रखने के बाद उसी की लिस्ट बनाइए, आगे की प्रमोशन उसी रोस्टर से कीजिए। ऐसा नहीं कि वो नीचे से उठा के आप कहेंगे कि ये तो उस जोन में नहीं आता। और जोन के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि आपको कोई भी फाइल टाइप्स की कोई लिमिट नहीं लगानी है। ये हमें चौहान साहब की संज्ञान में लाके दिया है, वो ओएम नहीं है सॉरी, वो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन। हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे वो ऑर्डर पास किया था कि जो फाइल टाइम्स की जो लिमिट है जोन ऑफ कंसिडरेशन की, वो एस सी एस टी पे लागू नहीं होती। जहाँ भी जो एस सी एस टी जो एलिजिबल है, जिस भी जगह पे है, भले वो 1000 आदमी के नीचे है, उसको उठा के लाइए, आप उस पॉइंट को भरिए। तो ये सर मुद्दे हैं जो हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। हमने इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन भी दिया है और हमारा जो बैकलॉग वगैरह जो सब समस्याएं इन्हीं से हैं। एक तो पोस्ट पेज रिजर्वेशन रोस्टर सही से नहीं ऑपरेट हो रहा, दूसरा जोन ऑफ कंसिडरेशन का जो एक कॉन्सेप्ट, जो फॉल्टी कॉन्सेप्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डायरेक्शन के अगेंस्ट है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसको रुकवाना है। इसके ऊपर हमने विस्तृत आपको वो दिया है रिप्रेजेंटेशन। हमारा आग्रह है कि आप उसके ऊपर कार्रवाई करवाएं। इसके अलावा सर बातें बहुत सारी हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आके हमें हमारा मार्गदर्शन करें। We'll be right back.